लोकायुक्त पुलिस ने शहर की गोरीधाम कॉलोनी में निवासरत एक पटवारी के मकान पर गुरुवार को आय से अधिक संपत्ति के मामले में छापामार कार्यवाही की। लोकायुक्त पुलिस को पटवारी के खिलाफ शिकायत मिली थी। डीएसपी संतोष सिंह भदौरिया, पीएस बघेल सहित 22 सदस्यीय टीम कार्यवाही में शामिल रही। टीम ने गोगांव तहसील के पटवारी हल्का नंबर 36 में पदस्थ पटवारी जितेंद्र सोलंकी के घर सहित चार अन्य ठिकानों पर छापा मारा। टीम ने सुबह 5 बजे पटवारी के घर पर दस्तक दी। डीएसपी प्रवीण बघेल ने बताया, यहां मिले संपत्ति के दस्तावेजों को देख टीम दंग रह गई। शुरुआती जांच में ईश्वरी कॉलोनी में 3 मंजिला मकान, 6 छोटी दुकानें, दामोदर कॉलोनी धार रोड इंदौर में मकान, ग्राम मुल्ठान सहित कसरावत में 2 मकान में नव निर्माण, न्यू राधावल्लभ मार्केट में 1 दुकान, ग्राम मोघन तहसील गोगांव में 3 जमीनें बहन के नाम, ग्राम महू मांडली तहसील गोगांव में जमीन बहन के नाम, ग्राम बिस्थान तहसील गोगांव चित्तौड़ भुसावल राजमार्ग पर भूखंड एवं उस पर दुकान निर्माण आरोपी के बहनोई के नाम पर एक टाटा इंडिका वाहन संबंधित दस्तावेज मिले हैं। अधिकारी की माने तो 25,000 रुपए तनख्वाह पाने वाले पटवारी के पास करोड़ों रुपए की संपत्ति होने का अनुमान है। ब्यूरो रिपोर्ट खरगोन। पटवारी है, टी में पदस्थ है, ये पटवारी हल्का नंबर 36 तहसील गोगांव के। इनके यहाँ आज इंदौर लोकायुक्त की टीम द्वारा सर्चिंग कार्रवाई की गई है आय से अधिक संपत्ति मामले में, जिसमें इनके निवास B6 गोरीधाम कॉलोनी जो है जहाँ पर आप खड़े हुए हैं अभी, इसमें सर्च की कार्रवाई की गई। आय से अधिक संपत्ति के मामले में इनके जो है ईश्वरी नगर में एक 3 मंजिला मकान जिसमें जो है दुकानें भी इनके द्वारा बनाई गई हैं वो मिला है। राधा वल्लभ मार्केट है यहाँ खरगोन में, उसमें एक दुकान मिली है। इंदौर में जो है चंदन नगर रोड पर जो है 6 दुकानें इनकी पाई गई हैं। इसके अलावा सिलिकॉन सिटी में जो अभी नई पलाश परिसर में नई योजना, उसमें एक इनका फ्लैट होना ज्ञात हुआ है। इसके अलावा भी जो है इनके द्वारा इनकी बहनों के नाम से अलग अलग जगह जो है संपत्तियों में इन्वेस्टमेंट किया गया है, जिसकी अभी डॉक्यूमेंट्स मिले हैं उस पर अभी हम लोग सत्यापन की कार्रवाई कर रहे हैं, जिसमें मोहन में और महू मांडली में और बिस्थान में जमीन और प्लाट की जानकारी प्राप्त हुई है। तो उसमें अभी हमारी टीम जो है जाके और उसमें पता कर रही है कि वहाँ इनकी क्या है स्थिति जमीनों की। इसके अलावा जो है मुल्तान में जो है इनके 3 घर और जमीनों की जानकारी प्राप्त हुई है अभी, और इनके घर से लगभग 4.5 लाख रुपए नगद, इनके पास एक इंडिका विस्टा वाहन, 2 टू व्हीलर वाहन मिले हुए हैं। इनका घर भी जो है जो बना हुआ है, इसका इंटीरियर बहुत ही आलीशान है, सारे कमरे जो है एसी से सुसज्जित हैं, मॉडलर किचन इनका जो बड़ा उच्ची कोटि का है। तो ये सारी चीज़ें अभी जो है प्रारंभिक स्तर पे मिली हैं। इसके अलावा बैंक अकाउंट की जानकारी, इनके जो इन्वेस्टमेंट है पॉलिसियों में उनकी जानकारी, ये सब अभी हम लोग एकत्रित कर रहे हैं काफी। सर नौकरी में कितना समय हुआ मालूम? लगभग 25 साल का सेवा काल है इनका। 98 में जो है अपने पिताजी की जगह ये नौकरी पे आए थे। क्या सर पूरा नाम लिखिए। मैं डीएसपी प्रवीण सिंह बघेल, लोकायुक्त इंदौर। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।